बहुत देर हो चुकी है और अब मैं आप सबके आसपास भी नहीं रहना चाहता, घुटन होती है मुझे। और सई का क्या, ये तो उस घर में अब वापस आ गई है और इसने तो अपना सामान भी तुम्हारे कमरे में रख दिया, तो इसकी प्रेजेंस में तुम्हें घुटन नहीं होगी। आपका ये जो कंसर्न है ना मेरे पति के लिए, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन वो अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ क्या करते हैं इसकी चिंता आप मत कीजिए पाखी दीदी। वैसे मैं आपका ख्याल रखूं इसमें आप ही का फायदा, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। तुम पहले ही बहुत कुछ से भी ज्यादा कर चुकी हो मेरे लिए, इसलिए प्लीज अब कोई एहसान मत करना मुझ पर। ये ब्लास्ट से तो मैं मरा नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे एहसानों तले दब के जरूर मर जाऊंगा मैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सोऊं? सॉरी, मैं आपके बगल में सो जाऊं? अरे कितनी अच्छी बात है, थैंक यू, कितने अच्छे हैं आप।